तो शार्क टैंक इंडिया तो खत्म हो गया, लेकिन इंतजार रहेगा सीजन टू का। और सीजन वन में जितने भी जजेस थे उनमें मैं एक और जज को मेंशन करना चाहूंगी जो ज्ञान बहुत अच्छा देते हैं, जिनको ज्ञानी बाबा का अवार्ड मिला, मिस्टर अनुपम मित्तल। इनको बोलने का बहुत शौक है, ये बहुत ही बढ़िया बोलते हैं। मेरे हिसाब से शो के सबसे अच्छे स्टोरी टेलर तो यही हैं। तो आपका सबसे बड़ा स्टेज फियर क्या है? भूल जाना, ब्लैकआउट हो जाना, ब्लैंक हो जाना, फ्रीज हो जाना, ये चारों एक ही चीजें हैं। और यही फियर हम सबको रहता है, चाहे हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, चाहे हम मोनोलॉग कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं ऑफिस में, कोई वीडियो बना रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, जूम कॉल पे हैं, इन जो है वो कॉन्टिन्यूसली काम कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली कॉन्टेंट जनरेट कर रहा है, या जनरेटेड कॉन्टेंट को रिवाइज कर रहा है, रिव्यू कर रहा है, जिसके थ्रू आप फिर उसको अपनी कॉन्वर्सेशन में लेकर आ रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है, इसको हम बोलते हैं कॉग्निशन। कॉग्निशन ही है सीक्रेट्स ऑफ स्टोरी टेलिंग का नौवां सीक्रेट। कॉग्निशन क्या होता है? देखिए, कॉग्निशन को मैं रट्टेबाजी नहीं कहूँगी, मेमोराइजेशन नहीं कहूँगी, क्योंकि ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। जैसे मैंने पहले भी बोला, इक्विपमेंट्स की बात करें तो जैसे टेलीप्रॉम्प्टर होता है, आप जो न्यूज़ सुनते हैं, न्यूज़ रीडर्स जो न्यूज़ रीड करते हैं, मतलब प्रॉपर है, रीडर है वो, तो जो वो रीड करते हैं तो एक डिवाइस होता है उनकी स्क्रीन के सामने, कैमरास के सामने, जिसको टेलीप्रॉम्प्टर कहते हैं, जिसपे लगातार उनकी जो स्क्रिप्ट है वो चलती रहती है। तो हमारा ब्रेन भी जो है एक मेंटल टेलीप्रॉम्प्टर की तरह काम करता है। जब हम कोई बात करते हैं, टेलिंग करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा ये टेलीप्रॉम्प्टर रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये रुक गया तो आप फ्रीज हो जाएंगे, वहीं के वहीं ब्लैंक हो जाएंगे, वो नहीं करना है। तो उसको रोकने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है? प्रैक्टिस, रिहर्सल, राइटअप्स बहुत ज़रूरी हैं। आप जो बोलने वाले हैं उसको कहीं पर लिख लीजिए, उसके पॉइंटर्स बना लीजिए और तब उसको बोलिए। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपके लिए ईजी है, एडिटिंग करना बहुत आसान है आज की डेट में, लेकिन उस एडिटिंग के पीछे जो आप कंटेंट जो आप बोल रहे हैं, अगर आप उसको फ्री फ्लो बोलते हो, फ्री फ्लोइंग वे में बोलते हो, तो वो दिखने और सुनने में बहुत अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू एडिटेड। थोड़ी बहुत एडिटिंग तो सबको ही करनी पड़ती है अगर आप यूट्यूब कंटेंट क्रिएट करते हैं तो। अगर आप ब्लॉगर हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो कॉग्निशन पावर है वो बहुत अच्छा हो, ताकि आप जो भी बोल रहे हैं वो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स पहले आपके दिमाग में स्क्रिप्ट आ जाती है, उसको लाना इज कॉल्ड कॉग्निशन। मैल फंक्शनिंग के तीन रीजंस हो सकते हैं, पहला अनप्रिपेयर्डनेस, दूसरा ओवर प्रिपेयर्डनेस, और तीसरा स्ट्रेस या एंजाइटी। तो पहले को तो हम टैकल कर सकते हैं, अनप्रिपेयर्डनेस की का एक ही तरीका है कि आप अपने आप को प्रिपेयर्ड रखें कुछ बोलने से पहले, अच्छे से अपने दिमाग में सोच लें आपको क्या बोलना है। दूसरा है ओवर प्रिपेयर्डनेस, ये ना करें, क्योंकि ये करने से दिमाग में खिचड़ी बन जाती है, हमें क्या बोलना है, हमें क्या नहीं बोलना है, क्या छोड़ना है, और उससे इररिलेवेंट टॉपिक्स बहुत सारे आ जाते हैं। और तीसरी चीज़ है स्ट्रेस या एंजाइटी, इसको दूर करने के लिए कुछ मेडिटेटिव टेक्निक्स, ब्रीदिंग टेक्निक्स हमारे काम आती हैं। ये कम्युनिकेशन में, स्टोरी टेलिंग में बहुत ज़रूरी होती हैं कि आप अपने आप को काम स्टेट में रखें। भूलने की वजह से पैनिक हो जाना, ये उसका एक रिएक्शन है जो एक डोमिनो इफेक्ट की तरह चलता है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, फिर फंबल जाएंगे, फिर और भूलोगे, फिर और फंबल जाएंगे। तो ये हमें अवॉइड करना है, और हमें कोशिश करनी है कि अपना कम्युनिकेशन, स्टोरी टेलिंग फ्री फ्लोइंग हो, हमारा कंटेंट फ्री फ्लोइंग हो। जैसे हमारे लीडर्स होते हैं, या हम देखते हैं स्पीकर्स होते हैं, वो जब बात करते हैं, बोलते हैं, उनके हाथ में एक छोटा सा पेपर होता है या क्यू कार्ड्स होते हैं, जिनके थ्रू, जिनमें वो सिर्फ देख देख कर आपसे सवाल करते हैं, या अपनी बात को रखते हैं, या पॉइंटर्स रखते हैं, या डिबेट में आपने देखा है कि जब वो डिबेट करते हैं तो उनके पास काफ़ी काफ़ी सारे पेपर्स होते हैं, जिनमें से वो क्यूज देख देख कर एक बार देखते हैं, फिर आपसे बात करते हैं, एक बार देखते हैं फिर बोलते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसमें कोई गलती, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आपके पास एक नोट्स हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, वो आपको एम्पावर कर सकते हैं। पर अगर आप बच्चों के साथ स्टोरी टेलिंग करते हैं तो आई कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं होना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप बच्चों के साथ स्टोरी टेलिंग करते हो जिनका अटेंशन स्पैन कम है, या कोई ऐसी स्टोरी टेलिंग करते हो जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अटेंशन चाहिए सामने वाले का, तो अपनी कहानी को पूरा मेमोराइज रखिए, रिहर्सल्स कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए,
मैं जब भी स्टोरी टेलिंग करती हूँ, अपने 7 साल से ऊपर का मेरा करियर है एज ए स्टोरी टेलर, मैं जब भी परफॉर्मेंस देती हूँ तो पहले एक बार घर में अपनी फैमिली के सामने या मिरर के सामने एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करती हूँ। उससे मुझे अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पता लगती हैं। तो ये आप कर सकते हैं, इट्स अ वेरी वेरी गुड टिप। तो यूट्यूबर हो और प्रो बनना चाहते हो तो अपनी स्टोरी को कॉग्निटिव तरीके से याद रखो, बिल्कुल कॉग्निशन पर पूरा ध्यान दो और देखो कितना फर्क पड़ता है आपके सब्सक्राइबर्स पर। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लो सब्सक्राइब, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना भी मत भूलना।